प्रिय विद्यार्थियों, आज की कालास में आज स्वागत है आपका। आज हम बीए पार्ट सेकंड के हमारे रीतिबद्ध काव्यधारा के महान कवि सेनापति के विषय में पढ़ेंगे। कवि सेनापति, जैसा कि नाम से ही विदित है कि ये रीति काल के कवि, ये नाम नहीं बल्कि एक उपाधि है। किंतु ये उपाधि किसने कब दी, इसके बारे में अभी कम ही जानकारी है। और सेनापति जो कवि थे, उन्होंने रीति वर्णन के ऊपर ही या श्रृंगार चित्रण के ऊपर अपनी सबसे अधिक रचनाएं लिखी है। कवि सेनापति का हम सामान्य परिचय इस प्रकार से दे सकते हैं कि इनका जन्म 1584 ईस्वी से और 88 के बीच में माना जाता है। ये भक्ति काल और रीति काल के संधि काल के प्रमुख कवि के रूप में भी इन्होंने अपनी ख्याति प्राप्त की है। देखिए, और इनका जो काव्य का विषय है वो पिंगल यानी श्लेष वर्णन इनकी काव्य का प्रमुख विषय है। साथ ही साथ इनके जीवन परिचय के बारे में ये कहा जाता है कि इनके पिता का जो नाम है वो गंगाधर था और इनके पितामह का नाम परशुराम दीक्षित था। और इनके जो गुरु थे, विद्यागुरु, वो हरिमदी माने जाते हैं। जिनका नाम है हरिमदी, ये इनके विद्यागुरु माने जाते हैं। कवि विद्यापति, जिन्होंने अपने काव्य को उस धरातल पर पहुंचाया, रीति काल में एक नई पहचान बनाई, सेनापति, आज भी हमारे हिंदी साहित्य में इनका जो काव्य है ऋतु वर्णन, जो सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है, इन्होंने प्रमुख रूप से दो रचना इनकी प्रसिद्ध मानी गई है। एक तो कवि तुरतनाकर और दूसरी है काव्य कल्पद्रुम। ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं मानी गई है। इन दोनों रचनाओं के आधार पर इन्होंने अपने काव्य की सृजना की है। और देखिए, इनके बारे में बहुत ही कम जानकारी मिल पाती है। इनके बारे में कहते हैं, गंगा तट पर रहने के कारण ये बुलंद शहर से इनका गहरा संबंध था। ये बुलंद शहर के निवासी थे और साथ ही साथ इनको अपने काव्य में बहुत रुचि थी। पढ़ने लिखने में ये इनका जो आग्रह था वो श्रेष्ठ था। अच्छी संस्कृत का अच्छा ज्ञान था, इसलिए उन्होंने अपने काव्य में क्लिष्ट शैली अर्थात भिन्न अर्थ देने वाला अर्थात श्लेष अलंकार को ही सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है। यद्यपि अलंकारों का तो सभी प्रकार से प्रयोग किया है, लेकिन इन्होंने विशेष रूप से श्लेष अलंकार के प्रति विशेष आग्रह व्यक्त किया है। कवि सेनापति, जिनके काव्य में श्रृंगारिकता के साथ साथ ऋतु वर्णन का बड़ा ही मोहक और मधुर वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार से हमारे जो कवि सेनापति है, उनके काव्य में बहुत सी अच्छाइयां हैं, बहुत सारे गुण हैं। इन्हीं गुणों के आधार पर कवि ने काव्य लिंग, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा जैसे अलंकारों का प्रयोग करते हुए अपनी काव्य की रचना का विधान किया है। कवि सेनापति के बारे में कहा जाता है कि इनका संबंध किसी मुस्लिम शासक से रहा है। उनके दरबार में ये रहे थे, किंतु अभी तक इसके बारे में अज्ञात है। ये केवल एक किंवदंती है, ये सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है। इसके अलावा सेनापति की सबसे बड़ी विशेषता थी कि ये आत्मस्वाभिमानी वाले व्यक्ति थे। आत्मस्वाभिमान उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। आदर्श व्यक्तित्व के धनी रहे हैं कवि सेनापति। और सेनापति को हिंदी साहित्य में रीति काल के रीतिबद्ध काव्य धारा में विशिष्ट कवि के रूप में उपाधि दी जाती है। कवि सेनापति, जिन्होंने अपने काव्य के माध्यम से हिंदी जगत में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया, तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि उनकी जो देन है हिंदी साहित्य को, उसके बारे में एक सामान्य परिचय है कि वो अपने कवित्व की, अपनी जो रचनाएं हैं उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। कवि विद्यापति की ऐसी रचनाएं, कहा जाता है कि जिस समय विद्यापति सॉरी आप अपने सेनापति जो कविता रच रहे थे,
उसी समय उनकी एक रचना चोरी हो गई थी। तो यहां पर सेनापति को संदेह होता है कि आजकल भाई रुपए पैसे धन दौलत की चोरी नहीं, आजकल चार चरणों की भी चोरी हो जाती है। तो इस प्रकार से यह हमारी जो रचना विधान है इसमें कवि ने अपने कवित्र धर्म का और थाती धर्म का पालन करते हुए उसकी विशेषता का उल्लेख हमारे इस पद में किया है। और मुख्य रूप से ये हमारे दो पहले दो पद हैं जो सेनापति की व्याख्या को लेकर के ये लिखे गए हैं। देखिए क्या कहते हैं कवि सेनापति इन पदों के बारे में, आइए हम अध्ययन करते हैं। देखिए, राखती न दोषे पापे पिंगल के लक्षण की, बुद्ध कवि के जो उपकंठ में बसती है। आपने देखिए थाती पिंगल छंद की गुणों का बखान करते हुए कवि सेनापति कहती है कि मेरी जो ये कविता है, मेरे जो छंद है, मेरी जो रचना है, मेरी कविता के जो छंद है वो किसी भी प्रकार के दोषों से रही, यानी किसी भी प्रकार के उन छंदों में दोष नहीं है, ये दोष मुक्त रचना है, दोष मुक्त रचना है। पापे पिंगल लक्षण की, पापे पापे पिंगल, दोषे पापे पिंगल लक्षण का अर्थ है कविता के छंद जो है वो आवृत्ति से युक्त है, राग आवृत्ति है, लेकिन ये दोष नहीं कहा जा सकता। शब्द बार बार आ सकते हैं क्योंकि श्लेष को उन्होंने चुना है और श्लेष अलंकार की है कि वर्ण की आवृत्ति उसमें बार बार होती है, लेकिन ये दोष नहीं कहा जा सकता। तो ये वो कह रहे हैं कि मेरी कविता के जो छंद है उनमें आवृत्ति का गुण है, उसमें कोई दोष नहीं है, वो दोषों से रहित है। पिंगल के लक्षण की, ये पिंगल के, पिंगल जो छंद है उसके लक्षण की प्रमुख विशेषता है कवि सेनापति ने मानी है, इसलिए मेरी कविता में किसी भी प्रकार का वर्णिक दोष या किसी भी प्रकार का आवृत्ति दोष इसे नहीं माना जा सकता, बिल्कुल पवित्र और शुद्ध कविता है मेरी। बुद्ध कवि जो उपकंठ में बसती है, मेरी जो कविता के जो छंद है, पिंगल जो छंद है, जो भाव है, बुद्ध यानी विद्वान, बुद्धिशाली, प्रखर बुद्धि के धनी, प्रखर बुद्धि वाले, प्रखर बुद्धि होते हैं ना विद्वान, बुद्ध का मतलब विद्वान भी मान सकते हैं। कवि सेनापति कहते हैं कि मेरे जो पिंगल छंद है, मेरी कविता के जो छंद है, कवि कहते हैं कि वो जो हमारे बड़े बड़े प्रखर विद्वान हैं, बुद्धिजन हैं, उनके कंठों में बसती है। उपकंठ यानी उनको कंठस्थ याद होती है, इतनी सरल है। उपकंठ यानी गले में रहती है, गले में वास करती है मेरी कविता, इतनी सरल, इतनी आकर्षक है कि बुद्धिजन या ज्ञानी विद्वान व्यक्ति मेरी कविता को सदैव कंठस्थ रखते हैं, कंठस्थ बसते हैं। जिस तरह से किसी चीज को हम याद कर लेते हैं, स्मरण कर लेते हैं, तो मेरी जो कविता के गुण हैं वो सरलता है उसके गुण है, श्लेष उसका गुण है, और वो बुद्ध जन यानी कि जो प्रखर बुद्धि के धनी है, विद्वान जन है, उनके कंठों में वो वास करती है, वो रहती है, वो कविता, वो भाव उसमें समाहित रहते हैं। जो ये पद मन को हरस उपजाती है, तजे रूप तजे को रूप से जो छंद सरस आती है। आगे कवि कहता है कि मेरी कविता के जो पद है, जितने भी लोग हैं उन लोगों के मन में हर्ष उत्पन्न करती है, उपजवाति का मतलब होता है उत्पन्न करना। मेरी कविता के जो भाव है, भाव सौंदर्य है, मेरी कविता का जो गुण है, वो विद्वान जनों के, लोगों के मन में एक हर अजीब सा एक खुशी उत्पन्न कर देती है, हर्ष उत्पन्न कर देती है मेरी कविता के गुण पद। जो ये पद, जो ये पद, जो ये पद है मेरे, सेनापति कहते हैं कि जो मेरी कविता के ये पद है वे सभी मनुष्यों को, सभी व्यक्तियों के मन में खुशी या हर्ष उत्पन्न कर देते हैं, खुशियों से भर देते हैं। सभी मेरे पद को सुन करके, पढ़ के हर्ष से, खुशी से भर जाते हैं, उनके मन में हर्ष उपज जाता है, हर्ष का भाव उत्पन्न हो जाता है, ये कवि सेनापति कहते हैं। तजे को रूप से जो छंद सरसती है, तजे यानी छोड़ना, तजे को रूप से जो छंद सरसती है, देखिए छंद सरसती है, ये मेरी जो कविता है वो छंदों से सरसती है, शोभाएं देती है। सरसती का मतलब
सरस्ती का मतलब होता है कि ये शोभायमान है, शोभायमान है, सबको आनंद देती है, सरस्ती है, सबको अच्छा लगता है। जो छंद है वो सबको भाने वाला है, वो ऐसा रूप यानी इस रूप को कभी छोड़ा नहीं जा सकता। मेरे जो छंद का रूप है, जो सौंदर्य है, वो ग्रहणीय है, ग्रहण किया जा सकता है। मेरे इस छंद को छोड़ा नहीं जा सकता या भूला नहीं जा सकता। मेरी कविता के जो छंद हैं वो लोगों के मन में आनंद उत्पन्न करने वाले हैं, ऐसा रूप सौंदर्य से युक्त छंद है जिसे कोई छोड़ना नहीं, तजिया नहीं छोड़ना, कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। मेरी कविता के छंद को का जो रूप है वो सबको अच्छा लगने वाला है, सबको मन को भाने वाला है, सबको सरसता प्रदान करने वाला है, सबको आकर्षित करने वाला छंद है, और ऐसे छंद को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता, सब उस छंद को ग्रहण करना चाहते हैं। अक्षर है विशत करती उसे उसे आप सम, जाते जगत की चढ़ताओ विनस्ती है। आगे कवि कहते हैं, मेरी कविता की जो अक्षर है वो विशत करती उसे आप है। अपनी कविता के अक्षर कहते हैं चाहे वो कठोर हो कैसे भी हो, लेकिन वे अक्षर अपना परिचय स्वयं देते हैं, यानी कि अपना अर्थ स्वयं प्रकट करते हैं उसे, यानी अपने आप में। सम समय कहने का मतलब होता है कि जो मेरी कविता के अक्षर है वो विशद है, समझने में थोड़े कठिन हो सकते हैं, थोड़े क्लिष्ट हो सकते हैं, लेकिन वो अपने आप में सहज अर्थ प्रकट करते हैं, अपने आप ही स्वयं अर्थ प्रकट करते हैं, उसमें कहीं पर भी आप क्लिष्ट नहीं मान सकते इसको। अगर आवरण की वृत्ति है, आवृत्ति है या श्लेष है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो क्लिष्ट है। मेरी जो कविता के अक्षर है वो सबके मन में एक भाव उत्पन्न कर देती है, वो अपना अक्षर जो है अपना अर्थ स्वयं ही प्रकट कर देता है, स्वयं ही अपना अर्थ बता देता है। ऐसी कविता के वो शब्द हैं, भाव रूप शब्द है। चाहते जगत की जड़ताओं में नस्ती है। आगे कहते हैं कि सेनापति कवि कहते हैं कि संसार में जड़ताओं विनस्ती है, ये मेरे लिए ये कोई जड़ चीज नहीं है, जड़ चीज नहीं है। मेरे जो शब्द हैं कविता के वो जड़ चीज नहीं है। जहां कविता में उसको लगा दिया जाता है वहीं उसकी शोभा बढ़ जाती है। विनस्ति का मतलब होता है शोभायमान है, शोभायमान है। जड़ताओं यानी जहां लगा दिया जाए, मेरी कविता की जहां लगा दिया जाए, मेरी कविता की जो शब्द है जगत भर में प्रसिद्ध है, उन शब्दों का उच्चारण या शब्दों को कहीं भी लगा दिया जाए वे अपनी शोभा को ही प्रकट करते हैं, अशोभनीय नहीं है, वह जगत में शोभादायक है। मेरी कविता की जो शब्द है एक एक शब्द हीरे की मोती की भांति है, आप चाहे इस संसार में रहते हुए उसे कहीं भी किसी कविता में भी जड़ दो, वो हमेशा ही शोभायमान रहेगा, लेकिन वो मेरी कविता के होने चाहिए, किसी दूसरे के नहीं। आगे, मानो छवि ताकि उद्वत है सविता की सेना, पति कविता को कविता ही विलसती है। कवि सेनापति कहते हैं कि मेरी कविता की जो छटा है वो कैसी है, मेरी कविता की छटा ऐसी है जैसे मानो, सविता का मतलब होता सूर्य और सेना का मतलब होता किरणें, सूर्य की किरणें, जिस प्रकार सूर्य की किरणें अंधकार को दूर कर देती है, अंधकार को छांट देती है, मेरी कविताएं मन के अंधकार को दूर करके जीवन में एक नई रोशनी का उद्भव कर देती है। मेरी कविता की जो छवि है वो जो सुंदरता है वो उस भांति है जैसे सूर्य उदय होने से सारा अंधकार छट जाता है, सारे अवगुण दूर हो जाते हैं। तो मेरी कविता लिखवा ने मानो छवि ताकि उद्वत सविता की सेना, मेरी कविता के जो शब्द है वो उस भांति छवि उपस्थित करते हैं या परछाई उत्पन्न करते हैं जैसे मानो
प्रातः काल उदित होता हुआ सूर्य अपनी सेनाओं के साथ, किरण रूपी सेनाओं के साथ में उदय होता है, अर्थात वो अंधकार को नष्ट कर देता है। तो मेरी जो कविता के शब्द है अपने आप में अनूठे हैं। पति कविता को कविता ही विलसती है, कवि सेनापति कहते हैं कि ये जो मेरी कविता के जो शब्द है, जो शब्द रूप है, वे कविता की शोभा बढ़ाते हैं। विलस्ती का मतलब भी यहां शोभा बढ़ाना है, शोभा है, शोभादायक, शोभादायक। पति कवि, पति कवि का मतलब होता है सेनापति कवि, कहते हैं कि मेरी जो कविता के जो शब्द है वो शोभादायक है, मेरी कविता ही कविता है, वो समाज, प्रत्येक समाज के लिए, मानव समाज के लिए बड़ी ही शोभादायक है मेरी कविता के शब्द, मेरी कविता विलस्ती यानी शोभा देती है या शोभादायक है, कवि सेनापति कहते हैं। तो उसकी सेनापति कवि अपनी कविता की तारीफ करते हैं। इसमें कवि सेनापति ने अपनी कविता की विशेषताओं का उल्लेख किया है कि उसके वर्ण की क्या विशेषता है, उसके भाव सौंदर्य की क्या विशेषता है, वो किस तरह से इस जगत को प्रभावित करती है, बुद्ध जनों को किस तरह से प्रभावित करने की क्षमता रखती है। ये इस प्रकार से कवि सेनापति की इस व्याख्या में इन भावों को ही स्पष्ट किया गया है या बताया गया है कि किस तरह से कविता का जो भाव है वो सौंदर्य उत्पन्न करने वाला भाव है। जहां कहीं भी उस कविता की शोभादायक शब्द को स्थापित किया जाए या जड़ दिया जाए, वही वो अपने भावार्थ को प्रकट करता है, एक से अधिक भाव को प्रकट करने वाला शब्द है। क्योंकि कवि सेनापति ने श्रेष्ठ अलंकार का सहारा लिया है, इसलिए एक शब्द एक से अधिक अर्थ देने वाला है। अब यहां पर ये तो थी उसकी कविता, कवित्व की विशेषताएं। अब देखिए अगली जो हमारी व्याख्या है वह है जिसमें कवि सेनापति ने ये कहा है कि जो कहते हैं कि विद्या की देवी सरस्वती है और वो वाणी की देवी भी है, वो विद्या की देवी है, वो वाणी की देवी, वो ज्ञान की देवी है। इसलिए कवि ने यहाँ पर माँ सरस्वती या विद्या की देवी की का यहाँ उल्लेख किया है और कहा है कि मेरी जो कविता की वाणी है या शब्द है वो बुद्धजन के मुंह में सदैव विचरण करते रहते हैं। सुवर्ण यानी श्रेष्ठ वर्ण है, मुंह रहो जहां, प्रत्येक जो बुद्धिमान, देखिए इसके बारे में सबसे पहले हम पढ़ते, वाणी सुर सहित सुवर्ण मुंह रहो जहां, धरती बहुत भाती अर्थ समाज को। कवि कहता है, सेनापति कवि कहते हैं, वाणी सुर सहित मेरी जो कविता की जो सुंदर वर्ण है, पहले हम इसको लेंगे कविता के पक्ष, कवित्व के दो पक्ष होंगे इसके, इस कविता के, एक तो होता कवित्व के पक्ष में और दूसरा होगा धरोहर के पक्ष में। धरोहर के पक्ष में यह श्लेष अलंकार की पूरी कविता है, श्लेष अलंकार से युक्त है। एक तो इसमें कवित्व शैली का प्रयोग किया गया है कि कवित्व उसकी जो जो पद है उसके लिए है ये कवित्व, एक तो कवित्व के संबंध में है और दूसरा है धरोहर के पक्ष में। ये दो अर्थों को प्रकट करने वाली कविता है। पहली कविता है कवित्व के संबंध में, कवि क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए, मेरे जो कवित्व है, वाणी सो सहित सुवर्ण मुंह में रहो जहां, धरती बहुत बाती अर्थ समाज को। कवि सेनापति कहते हैं कि मेरी जो कविता के वर्ण है, सुवर्ण यानी श्रेष्ठ वर्ण, सुंदर वर्ण, वो सदैव लोगों के मुंह में रहते हैं। जैसे सरस्वती की, क्योंकि कहते हैं कि जो विद्या का वास होता है वो कहाँ होता है, मुंह में होता है, क्योंकि मुंह से क्या होता है, शब्द उच्चारित होते हैं और उसे वाणी की देवी भी कहा जाता है कि सरस्वती, माँ सरस्वती जो विद्या की देवी है। तो मेरे जो कविता के शब्द है, कवित्व है, वो हमेशा ही लोगों के मुख की शोभा बढ़ाने का काम करते हैं। मेरे जो वर्ण है, सुवर्ण का मतलब श्रेष्ठ वर्ण है, सुवर्ण यानी श्रेष्ठ वर्ण,
जो मेरी कविता के जो वर्ण हैं वो श्रेष्ठ वर्ण हैं, जो बुद्धिजन लोगों के मुंह में रहा करते हैं, जो श्रेष्ठ जो वर्णों के महत्व को समझते हैं, जो कवित्व को महत्व को समझते हैं, जो सुंदर वाणी के वर्ण जो है वो वाणी के रूप में सदैव हमारे मुंह में निवास करते हैं या हमारे मुंह में रहते हैं, वो वर्ण होते हैं श्रेष्ठ वर्ण। धरती बहुत बाकी अर्थ समाज को, मेरी कविता की जो वर्ण है, जो शब्द है, वो हमारे मानव समाज को, मानव समाज, समाज क्या है, मानव समाज को कई धरती बहुत बहुत यानी एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द है। मेरी कविता के जो शब्द है वो अर्थ से परिपूर्ण है और अर्थ भी एक से अधिक देती है वो कविता के भाव, यानी भाव सौंदर्य जो कविता के शब्द है वे एक से अधिक अर्थ प्रकट करने वाले हैं, एक से अधिक अर्थ का भाव सौंदर्य को प्रकट करने वाले हैं, ये बताना चाहते हैं। इसलिए जो हमारा मानव समाज है वो मेरी कविता के कई अर्थों को ग्रहण कर सकते हैं और मेरी कविता के जो शब्द है या वर्ण है या हम कह सकते हैं कि शब्द, वो कई अर्थों को, विविध अर्थों को प्रकट करने वाले हैं, क्योंकि श्लेष अलंकार में एक से अधिक भावार्थ की अनुभूति होती है। इसलिए कवि ने यह कहा है कि मेरी कविता के जो शब्द है वो बहुत अनेक प्रकार के अर्थ को, मानव समाज के अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द हैं, एक से अधिक अर्थ को अनुभूति कराने वाले शब्द हैं। तो इसलिए आगे देखिए, संख्या कर लीजिए अलंकार अधिक यामे। कवि कहता है कि मैंने जो रचना लिखी है, कवित्व जो लिखे हैं रचना, उस रचना को आप गिन लीजिए, मेरी कविता में सबसे ज्यादा अलंकार है, अलंकारों की आप गणना की लीजिए, गिनती कर लीजिए। क्यों कहते हैं इसका भी कारण बताइए, बताएंगे। देखिए, संख्या कर लीजिए अलंकार है यामे अधिक, मेरी जो कविता है इसकी विशेषता प्रकट करते हुए कवि सेनापति कहते हैं कि मेरी कविता में अलंकारों की संख्या अधिक है, इसलिए आपकी भलाई इसी में है कि इसकी संख्या को गण लीजिए कि कितने अलंकार है, कितने अलंकार है इनकी गिनती कर लीजिए। राख्यो मति ऊपर सरस ऐसे साज को, जो जो मेरी कविता की कवित्व है उनको आप देखो, अपनी जो रचनाएं हैं उन रचनाओं को कभी भी राख्यो मति ऊपर सरस ऐसे साज को, उसे केवल खुले मत छोड़ना, सबके सामने मत रख देना, ऊपर ही ऊपर रख धर के मत रख देना, मत यानी नहीं ऊपर यानी रखना, सरस ऐसे साज को, ऐसी चीज को, ऐसी पवित्र चीज को, ऐसी रचना को, साज यानी रचना को, ऐसी कृति को आप कभी भी इसको क्या नहीं रखें, ऊपर ही ऊपर नहीं रखें, ऊपर नहीं रखें, उसको छिपा के रखें, इसको ढक के रखें। सुनो महाजन चोरी होती है चार चरण की, इस प्रकार से कवि रत्ना कवि सेनापति कहते हैं कि हे महाजन, हे व्यापारी, हे महाजन, हे कविजन, महान व्यक्ति आजकल के, हे महान कवि, आजकल तो चार चरणों की चोरी हो जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि कवि सेनापति की जो अपनी रचनाएं लिखी थी उसमें से एक रचना चोरी हो गई थी, उन्होंने एक श्रेष्ठ रचना, कवित्व पर आधारित एक रचना लिखी थी, लेकिन वो चरण चोरी नहीं हुए, पूरी रचना ही उनकी चोरी हो गई। इसीलिए कहते हैं कि आजकल हे महाजन, हे कविजनों, मेरी बात सुनो, आजकल तो चार चरणों की भी चोरी हो जाती है, लोग रुपया पैसे तो छोड़ो, आजकल तो चार चरणों की चोरी होने में भी देर नहीं लगती, जो कवित्वा के चार चरण होते हैं वो भी चुरा लेते हैं कविजन। ताते सेनापति कहे तजी कर ब्याज को, सेनापति कहते हैं कि जो लालच है तुम्हारे मन में उस लालच को तुम छोड़ दो, लालच को मत रखो अपने मन में, लालच को मत रखो कि इससे फायदा मिलेगा, इससे यानी ताते सेनापति कहे तजी करी ब्याज को, कवि सेनापति कहते हैं कि अपना अपनी जो ये लालच है, ब्याज यानी लालच, लालच की जो भावना है उस लालच की भावना को तुम त्याग दो, छोड़ दो, लालच मत करो,
और लालच बुरी बला है। कवि सेनापति कहते हैं कि इस लालच के भाव को तुम छोड़ दो, त्याग दो, क्योंकि लालच करने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, कवि सेनापति कहते हैं। तो इस प्रकार कवि सेनापति सबको यही कहते हैं कि हे सुनो महाजन, हे जो महाजन है, महाजन को क्या होता है कि श्रेष्ठ व्यक्ति या श्रेष्ठ कवि कि आजकल तो चार चरणों की चोरी हो जाती कविता के, तो आप इसको क्या होता है कि इसको यानी छोड़ना नहीं है, इसको संभाल के रखना है, लालच नहीं करना है। कैसे, आगे देखिए, लीजियो बचाए जो चुराए नहीं कोई सो जी, वित्त को थाती में कवित्व को राज को। तो कवि कहना चाहता है कि हे कवि, हे लीजियो बचाए, इसको बचा लीजिए, ये जो चार चरण है, मेरा जो कवित्व है, जो मैंने रचा है, जो मैंने लिखा है, उसको बचा लीजिए, बचा लीजिए, क्योंकि आजकल हर चीज की चोरी होने लगी है, हर चीज लोग चुराने लगे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे इन चार कवित्वों की भी चोरी हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये चोरी हो जाए। तो यहां पर जो कवि है, यहां कवि ने इन्हीं भावनाओं को व्यक्त किया है। सोजी का मतलब होता संपत्ति, सोजी यानी संपत्ति, क्योंकि मेरे लिए तो कवि के लिए तो उसकी रचना ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है, रुपया पैसे की बात नहीं है, कवि के लिए तो उसकी जो रचना है, उसके जो चार चरण है, वही उसके लिए वह संपत्ति है, कहीं ऐसा ना हो कि यह संपत्ति कोई चुरा के ले, धरोहर रूपी संपत्ति को या कवित्व रूपी संपत्ति को चुरा ले। कवित्व के बारे में कहा जा रहा है, वित्त, वित्त को सी थाती में कवितन को राज को, मैं कवि कहना चाहता है कि मेरी जो रचनाएं हैं, वित्त को थाती में कवितन को राज को, मेरी जो वित्त रूपी, वित्त यानी मेरी जो कवित्व है, उस कवित्व रूपी धरोहर को, उस थाती को मैं अपने सरकार को या राज्य को सौंप देना चाहता हूँ। मेरी जो कविताएं हैं, जो मेरी रचनाएं हैं, जो वित्त को यानी कवित्व को, ये वित्त का मतलब होता है कवित्व, जो उनकी रचना है कवित्व रचना, उस कवित्व रचना को थाती के रूप में सरकार को सौंप देना चाहते हैं, ताकि वह धरोहर सुरक्षित रह सके। धरोहर के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि वह वित्त को का मतलब यहाँ पर यह ध्यान रखना है हमें, वित्त को का मतलब होता है कवित्व को, यहाँ कवित्व कहना चाह रहा है, कवित्व जो उनकी रचना है, कवित्व की जो रचना है ये उसके लिए क्या है, थाती धरोहर है कोई, और इस धरोहर को वो सरकार को या राज को सौंपना चाहता है, ताकि उनकी जो कवितन है, जो कविताएं हैं, वो सुरक्षित रह सके। तो इस प्रकार कवि ने यहाँ पर पहला अर्थ बताया कवित्व के संबंध में, ये हम कवित्व के बारे में कहेंगे, पहली जो बात कही है वो है कवित्व के पक्ष में, कवित्व, कवित्व उनकी रचना है, उनके बारे में एक छंद है उसके बारे में। अब आता है धरोहर के पक्ष में, दूसरा होगा धरोहर, धरोहर, धरोहर का मतलब होता है थाती या कोई भी चीज है जो सुरक्षित रखी जाती है। तो कवि क्या कहते हैं, बानी सो सहित सुवर्ण मोरा जहां, धरती बहुत भाती अर्थ है समाज को। कवि कहना चाहता है कि हे व्यक्तियों, क्या कहते हैं कि ये जो मोहरा का मतलब होता है मोहरे, सोने की जो मोहरे हैं, इनको आप जहां तक हो सके, मोहरा का मतलब होता है मोहरे, सुवर्ण का मतलब होता है सोने की, जहां कहीं भी ये सोने की मोहरे हैं, उन सोने की मोहरों को आप सुरक्षित रखो, आजकल सोने की भी चोरी होती है, इन सोने की मोहरों को आप सुरक्षित रख लीजिए, ये कहना चाहता है कवि। धरती बहुत भाती अर्थ समाज को, धरती बहुत अर्थ समाज को, ये जो सोना है ये समाज के लिए
बहुत उपयोगी है, जीवन के लिए उपयोगी है, मानव समाज के लिए उपयोगी है, क्योंकि मानव समाज इसको खर्च करता है, उसका काम में लेता है। अर्थ का मतलब होता है धन, ये मानव समाज के लिए धन है, धरोहर है, या अर्थ का मतलब धन हो जाएगा। ये मानव समाज का लिए बहुत महत्व रखती है, मानव समाज की रक्षा करती है, क्योंकि ये सोने की मोहरे हैं, इन सोने की मोहरों को बचा कर रखो। अब इसलिए क्या कवि कहता है, संख्या कर लीजिए अलंकार है अधिक यहां में, जो स्वर्ण मोहरे हैं ये तो है ही, लेकिन इसमें अलंकार का मतलब होता है आभूषण भी है। यह अलंकार का मतलब क्या हो गया, आभूषण। ये केवल सोने की मोहरे नहीं है, इसमें आभूषण भी है, इसलिए उन आभूषणों की संख्या कर लो, कितने आभूषण है, मोहरे तो है, उनको हम गिन सकते हैं, बता सकते हैं, और ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए कवि कहना चाहता है कि आप जो आभूषण है उन आभूषणों को गिन लें, कितने आभूषण है, स्वर्ण आभूषण है अधिक या में, इनमें सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं कम है, आभूषण ज्यादा है, दोनों ही स्वर्ण, दोनों ही अलंकार है, तो इनकी गिनती कर लो, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई आभूषण चुरा ले, कोई ले जाए, इसलिए आभूषणों की क्या कर लो, गिनती कर लो, कितने आभूषण है। राख्यो मति ऊपर सरस ऐसे साज को, ऐसी चीजों को जो पवित्र, जो हमारी जो ऐसी जो संपत्ति है, ऐसी जो धरोहर है, यानी जो चीज है या वस्तु है, कवि कहता है कि ऐसी सरस चीज को, ऐसी चीजों को हमेशा ऊपर नहीं रखनी चाहिए, हमें छिपा के रखनी चाहिए। अगर हम राख्यो मति ऊपर, ऊपर रख के रखो मत, कहीं भी चीज हो उसको नीचे छिपा के रखो, सरस ऐसे साज को, ऐसी चीज को, ऐसी ऐसी धरोहर को हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए, उसको नीचे दाब के रखना चाहिए, ऊपर नहीं रखना चाहिए। अगर ऊपर रखेंगे तो चोरी होने की संभावना रहेगी, सोना आभूषण मोहरे सब चोरी हो जाएगी। इसलिए कवि कहना चाहता है कि उसको कभी भी आप ऊपर मत रखो, उसको छिपा के अंदर, छिपा के रख दो अंदर। सुनो महाजन चोरी होती है चार चरण की। तो आगे कवि कहते हैं कि हे महाजन, हे व्यापारी, व्यापार करने वाले व्यापारी, आजकल तो चार कोड़ियों की भी चोरी हो जाती है, ये तो सोना है। चार कोड़ी, चार चरण का मतलब होता है कोड़ी, चार चरण, चार पैसे की मान लो, चार पैसे की भी चोरी हो जाती है, या चार कोड़ी, कोड़ी आती है, चार कोड़ी की भी चोरी हो जाती है, तो ये तो पैसा है, ये तो आभूषण है, उसकी चोरी होने की संभावना तो सबसे ज्यादा रहती है। इसलिए हे महाजन, हे व्यापारी, कहीं ऐसा न हो कि आभूषण और मोहरों की चोरी हो जाए, इसलिए चोरी होने से बचाने के लिए तुम्हें क्या करना, क्या करना, उसको सुरक्षित रखना है ना। आजकल तो चार कोड़ियों की भी चोरी हो जाती है, ये तो पैसा है। ताते सेनापति कहे तजी करे ब्याज को। आगे सेनापति कहते हैं कि हे महाजन, ब्याज का लोभ मत कर कि भाई आभूषणों से या इन सोने से या इन मोहरों से मुझे ब्याज मिल जाएगा, इसलिए मैं किसी को दे दूं, इसका लालच बिल्कुल मत करना। अगर तू ऐसा करेगा तो तेरा स्वर्ण मुद्राएं और तुम्हारे जो आभूषण है वो व्यर्थ ही चला जाएगा। इसलिए ब्याज का मोह है ना, वो छोड़ देना, तजी यानी छोड़ना, तजी यानी छोड़ना, ब्याज का मोह छोड़ देना कि ब्याज मिलेगा, ब्याज के चक्कर में रहे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, जो कुछ मिला है वो भी समाप्त हो जाएगा, ब्याज की परवाह मत करिए। बचाए लीजो जो चुराए नहीं कोई सो जी, जो हमारी संपत्ति है, स्वर्ण मुद्रा है, ये जो धन है या आभूषण है, ये सोने की मुद्राएं हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई उसे चुरा ले, इस संपत्ति को आप बचा लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि स्वर्ण मुद्रा आभूषण और हमारा जो धन है वो कोई चोर चुरा ले, इसलिए उस संपत्ति को चुराने से आप बचा लीजिए, उसको सुरक्षित रखिए, उसका ध्यान रखिए। वित्त किसी वित्त कोसी थाती में कवितन को राज को। कवि कहता है कि वित्त को, वित्त यानी धन, धरोहर जो पैसा है,
जो पैसा है, जो वित्त यानी धन, धन की स्थाति को मैं कवितन को राज को मैं जितनी भी मेरी जो धरोहर है, जो मेरा पैसा है, जो मेरी मेरी जो थाती है, धरोहर है, मैं उसको राज को सौंप देना चाहता हूं ताकि वो मेरी सुरक्षित रहे। जैसे हम बैंकों में पैसे रखते हैं, वैसे हम राज को सौंप करके उस वित्त को यानी धन को हम सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि घर में चोरी होने की संभावना अधिक रहती है। इसलिए कवि ने यहाँ पर उस वित्त को बचाने के लिए आग्रह किया है। अगर सरकार के पास वो चली जाती है तो वो चीज सुरक्षित है। इसलिए कहती हैं कि इस वित्त रूपी थाती को, कवितन को, राज को, मैं इन्हें कवितन कवितन मेरी कविता से मिले हुए जो धरोहर है, पैसा है, उसको मैं राज को सौंपना चाहता हूँ, सरकार को देना चाहता हूँ, ताकि मेरी जो धरोहर है, वो पैसा है, वो सुरक्षित रह सके। जब मुझे आवश्यकता हो तब मैं ले लूं, क्योंकि वहां सुरक्षा है। और अगर मैंने इधर उधर रख दिया तो निश्चित रूप से उनको चोरी हो जाएगी। तो इसमें श्लेष अलंकारों का पूरा प्रयोग है और साथ ही साथ इनके दोहरे अर्थ भी प्रकट हुए हैं। पहला अर्थ कवित्व के पक्ष में होगा और दूसरा अर्थ धरोहर यानी कोई भी रुपया, पैसा, धन, दौलत, उसके पक्ष में होगा। पहला रचना के संबंध में, दूसरा धरोहर के संबंध में ये प्रकट किया गया है। अब देखिए, अब कौन कौन सी ऐसी इसमें विशेषताएं हम देख सकते हैं। विशेष में कौन कौन सी विशेष है इसमें, कवि सेनापति ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया है, सरस प्रयोग है पहली विशेषता। दूसरी है कवि सेनापति ने श्लेष अलंकार को महत्व दिया है, यानी इनकी कविता में प्रिय अलंकार महत्व दिया है। तीसरी विशेषता है सेनापति की कविता में गहरा भाव सौंदर्य प्रकट हुआ है, क्योंकि एक से अधिक अर्थ होने के कारण भाव में भी अधिकता आ गई है। अब हम चौथी अगर विशेषता करें तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें उपमा, रूपक, श्लेष अलंकार है, अलंकार का प्रयोग है, उपमा भी दी गई है। तो यहां उपमा है, श्लेष है, रूपक है, आदि अलंकारों का प्रयोग भी किया गया है। इसके अलावा ये विशेषता है कवि ने पिंगल छंद, जो बहुत प्राचीन छंद, पिंगल छंद की प्रमुख विशेषताओं का बखान किया है, जो उनका प्रमुख छंद है पिंगल छंद, कि जो दोष रहित है, जिसमें कोई कमी नहीं है, और विद्वान जन इस छंद को सबसे ज्यादा स्वीकार करते हैं। ये बहुत प्राचीन काल के साहित्यों में, ग्रंथों में सबसे ज्यादा मिलता है ये छंद। इसलिए यहाँ पिंगल छंद की विशेषताओं को भी प्रकट किया गया है। तो इस तरह से ये हमारे ये विशेषताएं हैं जो सेना कवि सेनापति की जो काव्यगत विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं को यहाँ पर प्रकट किया गया है या बताया गया है। इसके अलावा कवि सेनापति में जो ये कहा जाता है कि ऋतु वर्णन के लिए ज्यादा ये प्रसिद्ध रहे हैं, और इसके साथ साथ इनका भाव सौंदर्य भी अपने आप में अनूठा है। तो ये सेनापति का ये हमारी ये व्याख्या थी।
जिसमें संपूर्ण काव्य भाषा या काव्य संग्रह की अनुभूति को प्रकट किया गया है। और यहाँ पर दोहरे अर्थ में देखिए, कवित्व और धरोहर के रूप में यहाँ अर्थ प्रकट किया गया है। तो यहाँ दूसरे दोहे में यहाँ कवित्व और दोहरा अर्थ, अब हम छठे में ये लिख सकते हैं, दूसरे दोहे में कविता में कवित्व तथा धरोहर के रूप में काव्य विधान किया है, काव्य की रचना की है यह कह सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी विशेषताएं सेनापति के उस काव्य में हम देख सकते हैं। यह हमारा पहला था सेनापति का ये काव्यगत विशेषताएं व्याख्या खंड से।